दोस्तों कांगुनी फैशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं इस तरह से ये प्लेट हमने किस तरह से लगाया है। उसके बाद में हम सीखेंगे ये जो है ये हमने कास्टा किस तरह से लगाया है, और हमारा पार्ट थ्री जो बनेगा उसके अंदर हम सीखेंगे जो हमने ये बॉटम बनाया है वो किस तरह से बनाया है, और उसके बाद में हमने पूरे पैन की फिटिंग अंदर से किस तरह से की, ये बेल्ट किस तरह से लगाया, ये सब कुछ हम सीखने वाले है पार्ट टू और थ्री में। तो देखिए ये मैंने प्लेट लगाई है, देखिए इस तरह से, देखिए आप देख सकते हो ये कॉर्नर छोड़ा है मैंने, यहाँ पे मैंने बॉर्डर नहीं लगाया है, सिर्फ यहाँ पे कॉर्नर छोड़ा हुआ है। यहाँ पे आप बॉर्डर भी लगा सकते हो। अगर ये मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरे जितने भी वीडियो बनते हैं वो आपको सबसे पहले पहुंच जाएंगे, और लाइक करना जरूर भूलना नहीं है, क्योंकि जितने तुम लाइक करेंगे मुझे उतना मुझे पता चलेगा कि आपको मैं जो साड़ी बनाता हूँ वो आपको पसंद आ रही है। जितने मुझे लाइक मिलेंगे उतना मुझे अच्छा लगेगा, ताकि मुझे पता भी चलेगा कि आप लोगों को पसंद आ रहा है, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजना है आपको कि ये साड़ी मैंने किस तरह से आपको समझाई है। अगर ये साड़ी अच्छी लगती हो तो लाइक जरूर कीजिए। पार्ट टू आपके लिए बहुत ही खास होगा, उसके अंदर हम सीखने वाले हैं किस तरह से हमें कास्टा करना है, ये हम सीखने वाले हैं। उसके बाद में हमें आगे की प्लेट किस तरह से लेना है वो सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम बैक साइड लेंगे, जो हमारी लंबाई का डबल जो माप लिया वो लेंगे। अब हमें क्या करना है, ये हमारा एंड है, देखिए हमारा ये नीचे का भाग है, देखिए यहाँ से ये पूरा हमारा ये काट होगा। तो हमें क्या करना, इसके ऊपर जिस तरह से हम साड़ी को नीरी देते हैं उस तरह से हमें इसे प्लेट शुरू करना है। तो देखिए हमारा ये पहला एक पॉइंट आता है, तो इसे क्या करना है हमें इस तरह से यहाँ पे लगाना है। लगाने के बाद हम इसे ऊपर के साइड में फिर से करेंगे, और अब हमें पूरी प्लेट जो है इस तरह से ही देना है। ये हमारी नीरी तैयार हो जाती है, यह हमें जहाँ तक हमारी ये कमर का माप होगा वहाँ तक हमें इसे प्लेट लगानी। देखिए हमारा ये कमर का माप आ रहा है, ये देखिए यह हमारा कमर का माप है, देखिए अंदर से लाइनिंग आ रहा है, और ये हमारा सेंटर है। देखिए हम यहाँ से सिलाई लाते हुए यहाँ तक हमने एंड किया है, अब हमें क्या करना है इसे सेंटर में रखना है इसे। तो देखिए हमारे सेंटर में रखने के बाद ये हमारा ऊपर का भाग होगा। अब हम क्या करेंगे इसके ऊपर इसे यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो हम ये सिलाई लगा के लेते हैं, आप समझ जाना है आपको किस तरह से ये तैयार हो गया। तो देखिए ये इस तरह से हमारी एक पैर तैयार हो जाता है। देखिए हमने ये जो हमारी प्लेट है ये मैनी की, यहाँ से हमारी कमर है और यहाँ पे हमने प्लेट लगाया। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, ये सिलाई लगा के ले लेते हैं हम। तो ये देखिए हम कास्टे के ऊपर सिलाई लगा रहे हैं, ये हमारा लाइनिंग है, देखिए ये हमारा लाइनिंग है, लाइनिंग जो है हमारा सेंटर में यानी यहाँ पे है। अब हमें क्या करना है इसे इसके ऊपर सिलाई लगाना है। अब हम ये सिलाई लगाते हैं, तो ये हमारा बैक साइड का कास्टा तैयार हो जाता है। अब हमें फ्रंट तैयार करना है, जो हमारा सबसे ज्यादा कपड़ा है वहां पे प्लेट आएगा। अब इसे हम साइड में रखेंगे, अब प्लेट तैयार करके ले लेंगे हम। अब ये जो होगा वो ये हमारा आगे का भाग होगा, ये हमारा पल्लू है, देखिए हमारा ये पल्लू जो है हम साइड करके लेंगे, हम उसे इस साइड पे ले लेंगे। अब ये जो भाग होगा हमारा प्लेट का होगा, ये देखिए हमारी कमर की साइड है ऊपर की और ये नीचे का लाइनिंग है। अब हम इसे प्लेट लगाएंगे। देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे प्लेट लगाना है। अब प्लेट किस तरह से लगाएंगे हम, यह हमारा सेंटर है, देखिए यह हमारा अस्तर का सेंटर है, यह हमारा फ्रंट साइड का सेंटर होगा। अब हम इसे इसके ऊपर रखेंगे, रखने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो प्लेट है देखिए हम इस तरह से रखेंगे, तो ये 5 इंच की हम प्लेट पकड़ेंगे, तो ये डबल करके 10 इंच होगा। देखिए तो ये जो प्लेट पहली आ रही है, देखिए हमारी ये प्लेट सबसे मेन आपकी पहली प्लेट का किस तरह से आ रही है देखें आप इसके ऊपर, ये देखिए हमारी ये पहली प्लेट तैयार हो चुकी है। हमने जो प्लेट जो है वो यहाँ पे रखी, जो हमारा सेंटर होगा, देखिए ये सेंटर है, सेंटर के ऊपर हमने यहाँ पे प्लेट रखी। हमारी प्लेट सेंटर के ज्यादा उधर नहीं जा रहा है, सिर्फ सेंटर पे हमारी प्लेट है। अब ये हमारी पहली प्लेट होने के बाद हम क्या करेंगे, ये दूसरी प्लेट ले लेंगे। दो प्लेट हमें सेम लेना है, देखिए हम पहले दो प्लेट होगी वो सेम ले लेंगे। देखिए इस तरह से हमने एक के ऊपर एक लगाई है। देखिए हमारे पहले दो प्लेट होने के बाद अब हमें क्या करना है,
नीचे से इसे थोड़ा सा गैप देना है। देखिए हम यहाँ पे एक इंच के ऊपर गैप देना शुरू कर दिया, देखिए इस तरह से। तो ये भाग जो होगा हमारा ऊपर का थोड़ा सा ऊपर के साइड में ज्यादा हो जाएगा। देखिए ये ऊपर का भी भाग हमारा ऊपर जा रहा है, देखिए इस तरह से ये भाग ऊपर गया, तो उसी तरह से ये भाग नीचे से ऊपर आ रहा है। ध्यान दीजिए ये ऊपर आ रहा है भाग, और ये भाग जो है हमारा उसके ऊपर जा रहा है। तो अब हमें इसी तरह से सभी प्लेट देते हुए इस तरह से जाना है। देखिए नीचे से हम क्या कर रहे हैं, इसे गैप देते हुए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए सेम हमारा जो गैप होगा ये आधा इंच पे आ रहा है, तो ये पूरा जो गैप होगा उसी तरह से हमारा सब जगह पे आएगा। ये देखिए तो देखिए हमारी प्लेट इस तरह से आ रही। अगर आपको दिक्कत होती है प्लेट लगाने को, तो आपको ये देखिए इस तरह से बॉल पिन मिलती है। अब ये बॉल पिन आपको क्या करना है, जो हमने प्लेट लगाई उसे यहाँ पे स्टिच करके ले लेना। यहाँ पे हम बॉल पिन करेंगे, जो भी हमने प्लेट लगाया है उसे हम बॉल पिन करेंगे, ताकि ये प्लेट जो होगा हमारा इधर उधर हिलेगा नहीं। इसी तरह से हमें क्या करना है, सभी प्लेट देखिए हमारे नीचे से ये भाग ऊपर करते जा रहे हैं हम। देखिए ये गैप जो है, ये गैप देखिए, ये गैप और ये गैप हमारे सेम आ रहे हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पे आधा इंच, यहाँ पे आधा इंच, यहाँ पे आधा इंच, तो सभी जगह पे आधा इंच हमें छोड़ते हुए ऊपर की साइड में इसे खींचते हुए चले जाना है। इस वीडियो में आपको ये बहुत ही ध्यान से देखना है। कम ज्यादा प्लेट होना नहीं चाहिए आपकी। तो ये देखिए हमारी सभी प्लेट लगा के हो चुकी है, इतना हमारा ये भाग बचा हुआ है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसे क्रॉस में कटिंग करना है। हमारे ये पैटर्न होगा अलग थोड़ा सा, यहाँ पे हम बॉर्डर नहीं लगाने वाले हैं, हम सिर्फ यहाँ पे कॉर्नर छोड़ने वाले हैं। ये देखिए हमारे जब हम खींचते हो इसे ऊपर लाते हो, तो हमारा इतना कपड़ा ऊपर के साइड में आ गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसे सीधा काटना है। उसके बाद में अगर आपको प्लेट नहीं आता है अच्छे से, तो जरूर आप क्या कीजिए कि इस तरह से ये बॉल पिन जो होगी उसका उपयोग कीजिए, तो आपको अच्छे से प्लेट आएगा। देखिए ध्यान देना है आपको कि ये जो मैंने प्लेट लगाई, देखिए यहाँ से यहाँ तक, देखिए ये जो राउंड है आधा इंच का गैप है, तो सभी राउंड में इसी तरह से हमारे गैप रहेंगे। देखिए तो तभी आपका प्लेट की साइज जो होती है ये बहुत ही अच्छा से दिखाई देगी। ये देखिए इस तरह से, और उसके बाद में ये जो हमारे प्लेट की भी साइज, जो देखिए ये प्लेट की साइज सभी सेम होगी, तो इसी तरह से ये हमारी पूरे नीचे की साइड में इसी तरह से हमारी प्लेट चली जाएगी। ये मैं जानकारी जब आपको दे रहा हूँ तो ये पूरी डिटेल में जानकारी दे रहा हूँ, इसके लिए मेरे वीडियो जो ये दो तीन पार्ट में बन रहे हैं, नहीं तो ये वीडियो मैं एक ही पार्ट में बना सकता हूँ, लेकिन इसे शॉर्ट कर करके बना सकता हूँ। इसलिए मैंने आपको डिटेल में देने के लिए ये मेरे तीन पार्ट में वीडियो बन चुका है। तो देखिए इस तरह से हम इसे काटेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, तो ये किस तरह से लगाना है हम सीखेंगे अभी। तो ये देखिए मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसे थोड़ा सा क्रॉस में काटूंगा। काटने के बाद मैं इसे सीधा यहाँ पे काटूंगा। तो जो जो मैंने क्रॉस कपड़ा निकाला था वो इस तरह से बाजू में निकल जाएगा। देखिए इतना कपड़ा हमारा जो हमने खींचते ऊपर लेके आए हैं, तो ये कपड़ा उसका है। अब हम इसे हटा देंगे और यहाँ पे एक स्टिच करके ले लेंगे। उसके बाद में हमें क्या करना है, ये जो भाग हमने काटा है क्रॉस में, इसे फोल्ड करके ले लेना है, पहला और दूसरा फोल्ड। तो देखिए ये इस तरह से हमारा ये भाग दिखाई देगा। देखिए हम यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरह से हमारी ये दिखाई देगा, तो ये काफी खूबसूरत दिखता है। इसका दूसरा जो भाग होगा यहाँ पे हम लगाने वाले हैं, उसका भी मैं वीडियो बना के डालूंगा। अब इसके बाद में जितने भी मेरे वीडियो बनेंगे ज्यादा करके साड़ियों